108 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर। यार चेन खराब हो गई, अभी से प्रॉब्लम तो अभी से स्टार्ट हो गई। यार छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दे, सुन ध्यान रखियो, मुझे भूल मत जाइयो। हाँ भाई तू भी ध्यान रखियो अपना और सिलेक्शन लेके आइयो। माँ का ख्याल रखियो। यार तो उसकी दिक्कत मत ले। और भाई बढ़िया ही सब। हाँ हाँ सब हाल चाल। हाँ तो बड़े दिनों में दिखा। हेलो गोविंद बेटा, मम्मी की ना तबीयत ज्यादा खराब है और अब हम तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं भेज पाएंगे, तो तुम ऐसा करो घर आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं जाता हूँ। हुआ क्या? कुछ नहीं यार, माँ का ख्याल रखिए। अच्छा बेटा नाम क्या तेरा? गोविंद सर। तो गोविंद एक बात बता, जब ऑफलाइन बैच चालू हुआ तो तब तो आगे बैठता था, तो आंसर भी बढ़िया बढ़िया करता था, टाइम से करता था, पढ़ता भी था, मुझे ऐसा फील होता था करेक्ट आंसर होते थे, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता था। अब तेरे को करीब करीब हफ्ता मेरे को हो गया तेरे को देखते हुए, तो पीछे आगे बैठ जाता है चुपचाप, लेट आता है, पीछे बैठता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जवाब निकल नहीं रहा है, क्या मुद्दा क्या था? वो सर पार्किंग में जॉब करता हूँ तो इस वजह से थोड़ा देखता। पार्किंग में जॉब कर रहे हो? नाइट वाली शिफ्ट या क्या? नाइट शिफ्ट करता हूँ। तो फिर सुबह कब उठ रहे तू? या सोई कब नाइट हो जाता हूँ, थोड़ी देरी सो पाता हूँ, फिर अलार्म भी लगाता हूँ। बट तो फिर घर वालों को बोल देना कि थोड़े टाइम के लिए घर वाले मैनेज कर ले थोड़ा, इतना तो पैसा। घर पे मम्मा की तबीयत खराब है तो इस वजह से पहले वो किया था उन्होंने, बट अब वो एडमिट है तो नहीं कर पाते। मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे तुम? राकेश सर से ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ रहा है। इंग्लिश ऑफलाइन में आ गया मेरे पास, ठीक है। रीजनिंग? तो भी एक बात बता, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कहाँ टाइम निकाल लेगा? ऐसे में तो नाइट शिफ्ट में जॉब कर लेगा।
पूरा थक गया और ऐसे में पारिवारिक समस्याएं हैं, तो इससे होगा क्या मेरे दोस्त? पढ़ाई पर 100% इफेक्ट आएगा। जॉब रहते रहते पढ़ाई नहीं हो सकती। एक बार सिलेबस करके अच्छे से उसके बाद अगर जॉब के साथ साथ आप पढ़ना चाहते हो ना तो वो चल जाएगा, लेकिन कोचिंग प्लस रिविजन सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट जॉब इतनी सारी फसल एक साथ नहीं समझ। जयदीप सर कहाँ मिलेंगे? थर्ड फ्लोर स्टूडियो नंबर 2। थैंक यू मैम। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। सर पहचाना? गोविंद। गोविंद ऑफलाइन बैच में था ना? तो जी सर पहचान ले, मेरे दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता ना पहचान है। हाँ। और बताना कैसे हुआ? सर मिठाई खिलाने आया था। मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगा मेरे दोस्त, बट ये बता किस खुशी में? सर फाइनली सिलेक्शन हो गया। फाइनली सिलेक्शन हो गया? कौन से में सिलेक्शन हुआ? सेक्शन ऑफिसर में सर। और बता घर परिवार में सब कुछ एकदम? बट नौकरी बात तो और खुश हो गए होंगे। आपकी मेहनत की वजह से हो पाया सर ये सब। अरे मेरे दोस्त मोटिवेट किया सर, इसलिए हो पाया सिलेक्शन। और अब तो राकेश सर से मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, उनके भी मिठाई खिलाने। उनको तो भाई साहब दो दियो, ठीक है? तेरे लिए बहुत चिंतित रहते थे वो, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं और बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो ठीक है सर, आपको याद ना हो बट एक साल पहले मैंने आपसे कहा था कि होली तभी बनाऊंगा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर हैप्पी होली। हैप्पी होली मेरे भाई, हैप्पी होली। और मेरे दोस्त पता है तेरे नहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तेरे वाला ही इरादा है कि होली सच में वो सिलेक्शन के बाद मनाएंगे, और परमपिता परमात्मा करे वो भी तेरी तरह एक दिन ऐसे स्टूडियो में गुलाल लेंगे। ये हमारी पूरी टीम की कोशिश थी छोटी सी मूवी से आपको मोटिवेट करने की। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी न किसी बहाने से आपको मोटिवेट करते रहें। सो ये होली पर एक छोटी सी मूवी जिसमें 8 से 10 दिन इन लोगों ने लगाए हैं पूरा शूट करने में, ठीक है? जिसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था कि किस तरीके से टीचर से भी एक्टिंग कराया जाए। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस छोटी सी मूवी को लाइक करना, शेयर करना, और यूं ही मुस्कुराहट के साथ अपनी होली को एंजॉय करना। हैप्पी होली।